हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट फ्राइज़, मसाला फ्राइज़ या इजी फ्राइज़, जो भी कहें आप इसे। बहुत ही जल्दी बिना झंझट के बनने वाला स्नैक है। लेकिन इससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल के बटन को दबा दें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। सबसे पहले हम आलूओं को धोकर छील लेंगे। हमें इसमें बड़े साइज़ का आलू चाहिए होता है, ताकि लंबे लंबे फ्राइज़ बन सके। हमने सारे आलूओं को छील लिया। अब हम आलू को बीच सेंटर से नहीं, सेंटर के थोड़े से आगे के हिस्से से, 1/3 पोर्शन से काटते हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी 1/3 पोर्शन, यानी कि 3 हिस्सों में काटा। इसमें लंबे लंबे ऐसे स्लाइस काट लिए हैं। बिना मशीन के बड़ी आसानी से ये फ्राइज कट जाते हैं। बीच के तो बिल्कुल ही फ्राइज़ जैसे ही होते हैं। इस तरह से आप इन सारे फ्राइज़ को काट लीजिए। यही करना है दूसरे भी आलूओं पे, कि आपको 1/3 पोर्शन से, सेंटर से आधे को इधर को आकर फिर इसके लंबे लंबे स्लाइसेस काट लेने हैं। ये हमारे फ्राइज कट गए सारे। इस पर हम 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर या 1/2 टीस्पून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने हैं, जितना आपको चटपटा चाहिए। 1/2 टीस्पून ही सॉल्ट और रेड चिली पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसमें मैंने पहले 2 टीस्पून राइस फ्लोर, यानी कि चावल का आटा, 2 छोटे चम्मच डाला है। इसी की वजह से ये बहुत ही करारे बनते हैं। फिर इसमें मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो मैं और डाल लूँगी, कम लगेगा, लेकिन इतना ही सही है। और मैंने इसमें 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/4 चौथाई चम्मच आमचूर, इसी से इसमें टेंगीनेस आएगी। और 1/4 टीस्पून ही हल्दी पाउडर, जिससे इसका कलर बिल्कुल बाजार जैसे फ्राइज का हो जाए। मुझे कॉर्नफ्लोर कम लगा, मैंने थोड़ा और डाल दिया, 1/2 टीस्पून डल गया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आलू में बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आलू सौगी हो जाएंगे। आलू बिल्कुल ड्राई हो, अगर ड्राई ना हो तो आप किचन टॉवल पे रख के ड्राई कर लें। लेकिन उसके बाद ही सारे मसाले मिलाएं। मसाले तब मिलाएं जब तेल गर्म हो रहा हो, पहले से मिला के नहीं रखना है, वरना ये नमक जो है आलू को पानी छोड़ देगा आलू के साथ, और आलू सौगी हो जाएंगे, उससे क्रिस्पीनेस नहीं आएगी। इसलिए ये बात बहुत ध्यान रखिए कि आलू बिल्कुल सूखा हो, और जब आप मसाले मिला रहे हों तो तेल गरम हो रहा हो। यहाँ पर हमारा तेल पूरी तरह से गरम हो गया। अब हमने इसकी हीट मीडियम कर दी। अब इसमें फ्राइज़ डाल दिए। एक के ऊपर एक ना डालें, अलग अलग करके डाल दीजिए। इनको ही मीडियम से लो हीट पर 15 मिनट तक हल्की आंच पर इनको सिकने दीजिए। ये अंदर तक कुरकुरे और गले हुए भी हो जाएंगे, बहुत क्रिस्पी करारे बनेंगे। हीट लो ही रखें, मीडियम या हाई रखेंगे तो उतने कुरकुरे नहीं होंगे जैसे बाज़ार के होते हैं। एक बार सिकने के बाद इनको निकाल कर 2-3 मिनट रखें, फिर दूसरी बार इनको फिर तेल में डालें। इससे बहुत करारे हो जाएंगे आपके फ्राइज़। निकाल कर 1-2 मिनट इन्हें रखिए, फिर इनको फिर तेल में डालिए। फिर ये जो है दोबारा जो सिकेंगे तो बहुत क्रिस्पी करारे हो जाएंगे।
घर पर बहुत आसानी से ये फ्राइज़ बन जाते हैं, बहुत ही टेस्टी मज़े के होते हैं। ये देखिए सुनहरे हो जाए इतने तो हमारे कुरकुरे तले हुए होंगे। फ्राइज तैयार है, इनको आप केचप के साथ सर्व करें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।